तो ये खेत है इधर के, और ये देखो पहाड़, वहां पे मंदिर है हमारा एक ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सभी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल भाटिया व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मेरा नेम है विशाल और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, दिखाता हूँ आपको। देखो तो जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या मौसम है, रोड देखो इधर के। तो दोस्तों, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कोरोना के बारे में, तो कोरोना के चक्कर में बहुत कुछ बंद हो रखा है। अभी 2-3 महीने पता नहीं खुलेगा लॉकडाउन या नहीं खुलेगा, इसलिए मास्क कैरी किया हुआ है। मास्क मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मास्क पहनता हूँ। वैसे मैं निकलता ही घर से बहुत कम हूँ बाहर को, क्योंकि जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक बाहर निकलने का इतना फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि बहुत डेली बहुत ज़्यादा केस आ रहे। हिमाचल पहले खतरे से बाहर था, अब हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा केस आ चुके हैं। तो इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है, इसलिए जहाँ भी जाओ मास्क पहनो, सैनिटाइज़र छोटा जेब में रखा करो, और सैनिटाइज़र से थोड़ी थोड़ी देर बाद किसको किसी को मिलते हो तो उससे हेलो करके हाथ साफ़ किया करो। कहीं जाते हो उधर भी हाथ साफ़ किया करो। और मास्क तो फ्रेंड्स कंपलसरी हो गया है अब तो, 2-3 साल तक मेरे को लगता है मास्क पहने ही रखना होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना इंट्रो देने वाला था, तो इंट्रो का मैं आपको बता रहा था कि मैं जो ना वो हिमाचल से हूँ, विशाल नेम है मेरा, विशाल भाटिया। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया, विशाल भाटिया व्लॉग्स, और अभी प्लस टू किया मैंने। अब कॉलेज में एडमिशन लेना अगर कोरोना खुलता है तो, और तो फ्रेंड्स वो थोड़े रिलेटिव आ गए थे तो उनसे बात करनी पड़ी। आप देख सकते हो यहाँ पे घर कैसे बनाए हुए हैं लोगों ने, पहाड़ों के बीच बीच में देखो। यहाँ पे रोड भी बड़े ख़राब से हो रखे हैं, पर पहाड़ देखो। आज मौसम थोड़ा ख़राब था, अब बारिश होगी 2-3 दिन तो शायद बारिश का मौसम चल पड़ा, तो इसलिए। तो ये खेत है इधर के, और ये देखो पहाड़, वहाँ पे मंदिर है हमारा एक ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, तो मैं काम करके आ गया और अब जा रहा हूँ मैं घर। और धूप देख सकते हैं आप कितनी पड़ी हुई है इधर। और फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आज, लोग खाओगे सब? वो मेरे घर में मेरे कज़न्स आए हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि खाने के लिए कुछ ले आना, तो इसलिए लेके चला हूँ मैं। वो फ्रेंड्स बुरा हाल हो गया, तो इसलिए आपको बता, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं इतनी धूप में। देखो आपको दिखाने के लिए व्यूज़, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर जल्दी वीडियो में, अगली वीडियो में। वैसे अभी इधर भी नहीं जाना, इधर अभी पार्ट हैं बहुत सारे बचे हुए, अभी मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा आगे। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, और कैसे हो आप लोग सभी, और आप देख रहे हो आपका अपना विशाल ब्लॉग्स। तो आज मेरे फ्रेंड, आज मेरे घर में बन रहा है मोमो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बन रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोमो बने हुए इधर, इसमें मसाला डाला गया है और ये होम रेसिपी है मोमो की। चलो जब बन जाएंगे तब मैं आपको मोमो से मिलवाता हूँ, ओके। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत गर्म है बहुत ज़्यादा, खोले भी कैसे इसको। देखिए फ्रेंड्स, मोमो बन चुके हैं, तो रेडी है मोमो खाने के लिए अब। तो देखिए फ्रेंड्स, मोमो रेडी हो चुके हैं और अब हम इसको खाएंगे थोड़ी देर में। Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed.